नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया और फिर कैसे भारत ने लंबी लड़ाई लड़कर 1947 में अपनी आजादी पाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। वॉइस सुनाओ आपकी काव्य कहे। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। शुरुआत में कंपनी का मुख्य उद्देश्य मसाले, कपड़ा और अन्य चीजों का व्यापार करना था, लेकिन व्यापार करते करते धीरे धीरे कंपनी ने भारत के राजाओं और नवाबों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपने सैन्य बल को मजबूत किया और भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ व्यापार नहीं किया बल्कि प्रशासनिक और सैन्य ताकत भी बढ़ाई। करों की उगाही, कठोर कानून और भारतीय किसानों व व्यापारियों का शोषण उनकी नीति बन गई। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश हुकूमत का विस्तार होता चला गया और 1857 का सिपाही विद्रोह कंपनी के शासन के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष बना। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और सीधे भारत पर शासन करना शुरू किया। 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मंगल पांडे और हजारों सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत की। ये विद्रोह देश भर में फैल गया, लेकिन इसे अंग्रेजों ने बर्बरता से दबा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था और अंग्रेजों ने लगभग 90 साल तक यहां शासन किया, लेकिन भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता की आग बुझी नहीं थी। अब आसान का था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और कई अन्य नेताओं ने भारतीयों को संगठित किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत की आजादी के संघर्ष को एक संगठित रूप दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ताकत कमजोर हो गई थी। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि अब भारत पर शासन करना उनके लिए संभव नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी हासिल की। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से आजादी का ऐलान किया और एक नई शुरुआत का आगाज हुआ। लेकिन इस आजादी की कीमत भारत पाक विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और हिंसा का शिकार हुए। तो दोस्तों, ये थी भारत की आजादी की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से शुरू होकर ब्रिटिश हुकूमत के राज तक और फिर लंबी लड़ाई के बाद मिली आजादी तक का सफर। इस संघर्ष में हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान था, जिनके कारण हम आज एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।